देखा तो मर चुकी थी, बिल्कुल आखिरी सांस उसने जो है ना मेरे सामने लिए। इससे पहले भी बहुत सारे हमारे तीतर जो है ना रिसेंटली मर चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 तीतर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज आपको एक बहुत ही जो है गमजदा खबर देनी थी, वो ये कि आप देख सकते हो कि आज अभी अभी बिल्कुल मेरे सामने मर चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत जद्दोजहद और कोशिश के बाद ये आज जो है बिल्कुल ना बच सकी, क्योंकि इसको वायरस लग गया था। पहले ये बीमार थी थोड़ी, फिर इसको जो है ना वायरस के सिम्टम्स मैंने देखे। क्रोनिक वायरस होता है जो कि सांस का, सांस फूल जाती है, तो बहुत दवाइयाँ, बहुत ट्रीटमेंट, उसके बावजूद भी ये आज जो है ऊपर चली गई। जिसम बिल्कुल इसका ताज़ा है, बिल्कुल अभी अभी जो है ना ये इसमें दम तोड़ा है। अभी मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ दफनाने के लिए। इसकी बस किस्मत ही ऐसी थी, ये बिल्कुल नहीं बच पाई। मैंने बहुत कोशिश की जितनी मैं कर सकता था, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, और इससे पहले मैंने काफ़ी परिंदे ऐसे ठीक भी किए हैं। अल्लाह के करम से बहुत परिंदे जो है ऐसे बीमार हुए, मैंने ठीक कर दिए दवाइयों के ज़रिए, अल्लाह ने शिफा दी उनको। लेकिन बस ये क्योंकि थोड़ा नाजुक परिंदा है, जो भी दवाइयाँ मैं दे सका इसको वो मैंने की। इससे पहले भी बहुत सारे हमारे तीतर जो है ना रिसेंटली मर चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 तीतर। ब्लैक तीतर का अडल्ट मेल मर गया, उसके बाद एक जोड़ा पूरा ग्रे पेट्रिज जिसको कहते हैं, ये जो मेरे हाथ में दखनी तीतर ईरानी, तो एक इसका जोड़ा मर गया, और अभी ये मोर्टलिटी हुई है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कोई डिजीज़ आई हुई है, कोई तो मसला है। आजकल जो बारिशों का मौसम चल रहा है इसकी वजह से ना बहुत ये जो है ना मोर्टलिटी बहुत हो रही है बारिशों की वजह से, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है, तो परिंदे को थोड़ा सा भी झटका अगर लग जाता है तो वो मरने को आ जाता है बिल्कुल। इसको मैं दफनाने वाला हूँ, और यहीं पे कहीं पे मैं इसको जो है ना दफन करूँगा। तो बस दुआ करें कि और परिंदे जो हैं, एक और जोड़ी है मेरे पास, वो बच जाए बस। बाकी तो बहुत मोर्टलिटीज हुई हैं, 4 से 5 तीतर हमारे मर गए हैं। तो अभी इसको मैं दफनाने वाला हूँ, ताकि क्योंकि इसको वायरस था ना, तो ये किसी और को ना लग जाए। तो अभी मैंने बहुत जल्दी जो है ना इसको दफन करके यहाँ से चले जाना है, ताकि जो है ना किसी और को ना ये वायरस लग जाए। ये भी बहुत हमारा जो है ना लॉस हुआ है, इससे पहले भी बहुत हो चुका है। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको दिखाऊँ कि ऐसे मोर्टलिटी हो जाती है, और ये जो मौसम चल रहा है अभी, ये बिल्कुल जो है ना ख़तरनाक मौसम चल रहा है। इसमें आप अपने परिंदे अगर आपके पास हैं तो आप भी ध्यान करें कि आपके पास ऐसी मोर्टलिटी ना हो। जब भी आपका परिंदा बीमार होता है ना, तो उसके पहले या दूसरे ही दिन जैसे ही आपको फील हो कि परिंदा बीमार लग रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। उससे ये होता है कि बीमारी के जो है ना बढ़ने के चांस, और मोर्टलिटी के तो बिल्कुल 0 चांस हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको जल्दी डायग्नोस करके आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। तो बस यही था आज का मेरा मैसेज, और मैं इसको दफनाने लगा हूँ। ये जो पौधा था, ये मैं बिल्कुल इसके ऊपर रख रहा हूँ एक निशानी के तौर पे भी। ये था इसका आखिरी सफर, द लास्ट राइड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।